हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का नया दिन शुरू हो गया है। कल हम गए थे दरबार साहिब और आज हम जा रहे हैं साडा पिंड। साडा पिंड बेसिकली एक मिनी पंजाब है, जहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें दिख जाती हैं जैसे पंजाब में होती हैं। खाना कैसे बनता है, चूल्हा वगैरह, और आप शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पे, और तरह तरह की चीज़ें हैं। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कुछ फोटोज़ ही देखी हैं अभी जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। कुछ प्राइस है अराउंड 850 के आसपास। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं सारी चीज़ें। लंच या डिनर शायद एक चीज़ होती है उसमें, तो इतना नहीं पता अभी। देखते हैं वहाँ पे जाके, सीधा सीधा आपके साथ ही एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमारा साडा पिंड। तो जी, निकल गए हैं अमृतसर की गलियों में और जा रहे हैं साडा पिंड। साडा पिंड लगभग यही है मिनी पंजाब, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। और ये अमृतसर से थोड़ा सा बाहर बाईपास की तरफ है, अंदर मिड में नहीं है कहीं पे भी। तो बहुत खुला है जगह और अच्छी है। यूनिवर्सिटी है कोई वहाँ पे आसपास, शायद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ करके कोई है, तो उसके पास है ये वाला। तो बाहर जाके ही है, तो पूरा क्रॉस करना पड़ेगा हमें अमृतसर की सिटी को और फिर उसके बाहर जाएंगे। तो निकलते हैं फटाक से यहाँ से। बाकी अगर मैं बोलूँ तो साडा पिंड का जो टाइमिंग्स है वो लगभग 10 बजे स्टार्ट होता है, 10-10:30 के आसपास है पूरा टाइम। देखते हैं वहीं पहुँच के ही पता चलेगा, बट जितना भी है वो 10 के आसपास ही, और शाम के 7-8 बजे तक खुला रहता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको या तो दिन का लंच मिलेगा इसमें, या फिर रात का डिनर, कोई भी एक आप कूपन मिलता है वो आप ले सकते हो। बाकी अपना पूरे दिन एंजॉय कर सकते हो, और वहाँ अंदर रहने में कोई दिक्कत, बस ये है कि आपको लंच या डिनर में से एक ही मिलेगा। तो वही आ गए हाईवे पे, पूरा सिटी क्रॉस कर लिया है। लगभग आधा पौना घंटा मुझे लग गया बाइक पे सिटी क्रॉस करने में। अपना 100 मीटर्स पे ही है साडा पिंड। चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर कैसे होता है, कुछ एंट्री फीस है या फिर क्या है, वो अंदर देखने पे ही पता चलेगा। यहाँ से चलते हैं सीधा और देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई हमारा। नहीं, कुछ ऐसा नहीं पूछा है, सीधा पार्किंग में लगा देते हैं। पार्किंग मतलब कोई फीस नहीं है, तो जो भी आता है थोड़ा देख लेना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लगाते हैं सीधा अपनी बाइक यहाँ पे। तो भाई पहुँच गए हैं साडा पिंड। यहाँ पे लिखे हैं अट्रैक्शंस, फार्मर्स हाउस, फुलकारी हाउस, ये है हमारा साडा पिंड। तो भाई ले ली हमने टिकट्स वगैरह, और टिकट्स में आता है कुछ ये कल्चर लिविंग म्यूजियम आर्ट्स का, और परफॉर्मेंस थिएटर परफॉर्मेंस है, और है लंच है 3.25, तो टोटल 8.50 का है अराउंड ये, जिसमें हमें मिली है कि फन गेम्स फ्री, और ये टैग है, और ये हमने हेलमेट रखवा लिया था। तो बस अभी ये रखवाया है और चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस। तो भाई सबसे पहले जो देखने वाली चीज थी, या इनफैक्ट खाने वाली चीज थी, वो थी हमारी मक्के की रोटी और सरसों का साग। ये लोग यहीं सब कुछ बनाते हैं और यहीं आपको खाने को मिल जाएगा, साथ में आपको गुड़ और घी डाल के आपको साथ में दे देंगे। तो भाई स्टार्ट हो गया हमारा डे, और स्टार्ट हुआ है हमारा मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ। खाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं कैसा है, और एक्सपीरियंस करते हैं नया। मक्के की रोटी एंजॉय की अभी, क्या टेस्ट ही दिया यार घी के साथ, मज़ा आ गया खा के। सिक्का देखिए इन्हीं के पास से इन्होंने चुरा लिया है, आपके पास नहीं है, देखिए इनकी चेकिंग करेंगे हम, एक मिनट खड़े हो जाइए, इन्हीं के पास है सिक्का, हाथ बताइए अपना, देखिए सिक्के कहाँ रख लिए हैं, चीटिंग मत करिए, यहाँ से अपनी पेंसिल लाइए। ये हम सरकारी मैजिक दिखाएंगे, ठीक है, आपके हाथ में सर जी 100 का नोट रखिए, जादू से नोट डबल हो जाएगा, गायब नहीं होएगा, डबल हो जाएगा, रखिए सर, आप रखिए सर, मेरे पास 100 का नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप 500 का भी रख सकते हो। देखिए कितना डबल चलेगा, नहीं गायब नहीं होएगा सर जी, डबल हो जाएगा। और ये सर जी आप नोट का सीरियल नंबर चेक कर लेना, एक ही नंबर का देखिए डबल नोट बनाएंगे, कर लीजिए सर जी सीरियल नंबर चेक। मैजिक देखिए कितना डबल चलेगा, सिंगल नोट जादू से डबल बनेगा सर जी, नंबर चेक कर लिए बताइए सर।
फूक मारेंगे सर जी, नोट के अंदर डब्बे में डालेंगे, ठीक है सर जी? आपसे हम डब्बा ओपन करने के लिए बोलेंगे, आप जब ओपन करना, यहाँ से जाएगी, बताइए सर जी कितने नंबर का बन? बहुत सारे नंबर है तो सर जी नोट का रख लिया आपने, वो तो आपके पास होगा। नहीं 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 सर जी, चीटिंग मत करिए। आपने नोट दिया था या कागज दिया था? नोट दिया था। देखिए ये सरकारी मैजिक चल रही है, ये लीजिए, उठाइए सर जी। सर जी ये बताइए क्या है कागज में? सर जी आप फायर कर दीजिए, जला दीजिए सर, बताइए सर जी क्या जल रहा है? अखबार। वन टू थ्री बोलेंगे, पेपर है, ले जाओ, हाथ मत जलाओ। सर जी नोट का सीरियल नंबर बताइए। लेके आओ वही वाला जो सर जी ने दिया था, जे काली छू बन के तैयार। तो भाई ज्यादा तो देखा ही होगा आपने, मेरा नोट भी धक धक हो रही थी कि गायब कर देगा, बट ठीक है नहीं किया। अभी चलते हम पुराने गाने की तरफ। भाई सबने लिमोजिन गाड़ी देखी थी भाई, लिमोजिन स्कूटर देखा है कभी? बाइक देखी है गोलमाल वाली में, बट स्कूटर देखो यार आप मतलब क्या लंबा चौड़ा स्कूटर बना रखा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम गांव के अंदर चल रहे हैं, और बिल्कुल वैसी वाइब दे रहा है, बिल्कुल नालियां वगैरह वैसी होती है, और अंदर चल रहे हैं हम। यहाँ पे अगर शॉप्स किसी को कुछ लेनी है तो शॉप पे ले सकता है, बाकी शगंदी फुलकारी यहाँ पे नाम है तो ले सकते। पूरा घर की तरह ही है कि अगर किसी ने दुकान खोल रखी है ऐसे गांव में तो वैसा ही होता है। ये भाई वीवर है, प्रीतम सिंह द वीवर, फैब्रिक बनता है यहाँ पे, तो ये पूरी वो मशीन है जैसे ये बनती है। हम देखते हैं कैसे चलता है ये, पूरे धागे लगा रखे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये पतला धागा है और ये मशीन है। ये एक बार में ब्लैक जाती है, एक बार में वाइट जाती है, जिस टाइप से आपको डिज़ाइन बनाना हो उस हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बन जाती है वाइट या फिर ब्लैक, और बनते हैं सारे खेस। निकलते हैं भाई यहाँ से और चलते हैं इस तरफ। खैर मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे मेहंदी लगवाने का, बट चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है। तो भाई ये देखो पलंग है अपना, और ये रख रही अपनी खाट, इस पे बैठते थे आराम से मंजी पे और एंजॉय करते थे अपने दिन। ये है टीवी पुराने टाइम का, रेडियो लगा हुआ है, और ये है घड़ी। ये भाई दूध निकल रहा है यहाँ पे, और ये इधर रखवाली करने के लिए, फिर कुछ तूड़ा बूड़ा डालने के लिए यहाँ पे होता था, यहाँ पे ये खाती थी। ये भाई पुराने बर्तन है, पीतल दे गिलास वगैरह है सब कुछ, क्यों पीसने की आधुनिक मशीन है ये वाली पुरानी। और ये चूल्हा हमारा, इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे पूरा
तो ये आटा तैयार हो जाता है, यहाँ से डलता है गेहूँ और ऐसे पीसते पीसते पूरा हो जाता है आटा। नेक्स्ट है भाई हमारा खालसा वाला, जिसमें शॉर्ट्स वगैरह मिलती हैं, कुछ भी अगर आपको लेना हो तो यहाँ से आप ये ले सकते हो, सब सेलेबल पे है, आप पे करो और आपको मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। कड़े वगैरह हैं वहाँ पे, और ये पूरा आंगन है यहाँ का, सिलाई चल रही है अंदर, ये है सब दुकान है पूरी। तो इधर ये जूतियों की शॉप है, किसी को लाहौरी जूती लेनी है तो जूती ले सकता है। ये भाई हमारा स्टेपू जो हम खेलते थे बचपन में, इसको कौन भूल सकता है भाई, पुराने टाइम वाला ऑटो हमारा। जरा कम भी मेरी रानी बड़ा महंगा पड़ेगा। इराक का पानी, इराक का पानी दैट मीन्स पेट्रोल। तो भाई यहाँ पे हम टर्बन बनवा सकते हैं, चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा लगता है, आज बनवा ही लेते हैं। ये पुराने कैमरे हैं, बहुत पुराने हैं यार, चलते तो नहीं होंगे लग रहा है, बट हाँ ये सबके फेमस पंजाबी पर्सनैलिटीज हैं। सब पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, सबके आगे नाम लिखा हुआ है, बट फ्लूट वगैरह और तबला, हारमोनियम है, सितार है, ढोलक है, छंकण है जी, बहुत सही है यहाँ पे। ये पुराना रेडियो वगैरह है, ये सब हमारे सिंगर्स हैं पुराने। तो भाई कैसा लग रहा हूँ बताना यार, कमेंट में डालना कि ऐसे अच्छा लगता है क्या मेरा लुक, ऐसे रख लेना चाहिए क्या मुझे, तो बताना यार। और मिलते हैं सीधा अभी आगे और चलते हैं, और पग यार मतलब मज़ा सा आ जाता है एक बारी पग बंधवा के। बाजरा की चाहिए, ट्राई करते हैं अंदर यहाँ से जाके। ये भाई हमारा स्पिनिंग व्हील, डाइनिंग टेबल देख रहे हो भाई, ये वार्डरोब है हमारी, बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल गांव वाली जो आती है ना वाइब, बचपन में जो थी वाइब्स वो सारी वाइब्स आई हैं अभी, बहुत ही सही बना रखा है, मतलब आओ यार मस्ट विजिट है यहाँ पे। बोलता हूँ मैं किसी को एक बारी मुझे सिखाएंगे ये वाली चीज़, चरखा चलाते हैं आज रूई वाला। अच्छा
कमाओ। जो थ्रेड देगा हमने उससे ये बनता है दरी, ऐसे बनती है कुछ लपेट के इसके ऊपर। ये है भाई पुरानी मोटरसाइकिल जिस पे डाक देने जाते थे, और ये वाला है डाकघर। सत श्रीकाल जी। उर्दू में लिखा हुआ सब हाँ जी। उर्दू दी चिट्ठियां पुराने कलीमा लिखे हुए करते लंडे भाषा सिग्नल वो ट्रेन के सिग्नल है। एक पुरानी हमारी सबसा पुरानी हमारी तो पोस्ट कर गया है कैलेंडर लावा वाले तरह है एक पुरानी चीजें हैं। बढ़िया सॉन्ग था यार, फुलकारियाँ लगाई हैं तो मज़ेदार थी एकदम, मज़ा आ गया। ये बन रही है जी। सत श्रीकाल जी। कारपेट बन रहा है। कारपेट हाँ जी, थोड़ा क्या है ना फ्लाई देखो कपड़े मेरे वाली साइड को। अच्छा ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। अच्छा बैठो। चल जरा कपड़े इतना बने ना वाला। हाँ ये तो इस तरह बने भी ऐ धागे दो हो गए पीछे कॉटन के धागे। हाँ मेरे बोलते ताना ये ओढ़ने लंबे धागे नहीं लगाने गन्ना लाने लंबी लंबी चीज के डिजाइन के हिसाब न अच्छा लोक हो गया ऊपर ਨੂੰ ਐਸਾ ਛੋਟੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਿਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੇਰੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੈਂ ਹਟਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਇਕਨੇ ਗੰਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨਾ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਲਾਈਨ ਪਰ ਲਾਈਨ ਪਰ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ अच्छा जो किया सी पहले कर रहे थे। अच्छा अच्छा जी इतना बंदा जी फेवरेट कारपेट
मतलब यार पुरानी चीज़ें देख के आपको लगता रही है कि मेहनत होती होगी, बट बहुत मेहनत होती है यार उसको बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ को बनाने के लिए। भाई सब चीज़ें हो गई तो एक कारपेंटर भी होना चाहिए, तो ये है कारपेंटर का घर। इधर चलते हैं अंदर और घर के अंदर देखते हैं क्या बन रहा है। अभी तो कोई है नहीं, बट ये चीज़ें हैं जो कारपेंटर बनता है यहाँ से। पुराने चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ठीक यहाँ पे होती हैं। जो ऐड लगते थे ना पहले, वो ऐसे लगते थे दीवार पे, चंबे की कली। भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई ये देख के। बहुत मज़ा आया ये वाली चीज़, मौत का कुआ जिसको बोलते हैं। अब बचपन में देखते थे यार, और आज बड़े सालों बाद देख रहा हूँ मैं ये चीज़। मेले में जाते थे, अब देख रहे हैं, तो भाई मज़ा सा आ गया। लग जा के रेल गड्डी आ, हाथ मसा पूरे आए आ, सिर नहीं आता, सिर बढ़ दो फिर, ओ सिर बढ़ना नहीं हैगा, तुसी ताड़ियां ला दो सारे तुसी। हाँ देखो हल्ला भी मारो यार।
ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੇਰ ਨਾਲ ਸੈਲ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਲ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾੜ ਚ ਲਾ ਦੇ ਆ ਜਾ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਜੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਹਾਂ तो भाई उसके बाद अपना है हॉटर्स व्हील, देखते हैं अंदर कैसे बन रहा है, कुछ ना कुछ बन ही रहा है तो देखते हैं आगे कैसा है। तो भाई घूम घाम के अभी खाने का टाइम आ गया है मतलब खाना कुछ जल्दी हो रहा है मेरा, एक बज गया वैसे तो, बट ठीक है खाना खाने का टाइम आ रहा है। अंदर जाते हैं और आज का लंच करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं अंदर, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अभी एक टैग है जो टैग निकाल लेते हैं अगर खाना खा लेते हो आप तो वो चीज़ करते हैं, खाते हैं थोड़ा सा। इधर से एंट्री है और जाना इधर, लंच अगर करना है तो यहाँ से आएगा, तो चलते हैं अंदर की तरफ। भाई कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है हमारे पास, इधर खाने वगैरह लगे हुए हैं, अगर कुछ क्या क्या है देखते हैं। ये नॉनवेज है, गुलाब जामुन वगैरह है, कड़ी पकौड़ा है, खाना मतलब पूरा जैसा बुफे सिस्टम है अपना वही है, तो अपना खाओ और लेके जाओ और खाओ। तो यहाँ से थोड़ा प्लेट वगैरह लेते हैं और बैठते अपनी सीट पे, कुछ लेते हैं यहाँ से। तो भाई ले आए खाना और खाने में हमारे पास दाल मखनी, छोले, पनीर, दही बड़े, राइस है, सैलेड है और ये रोटियाँ। रोटियों में अलग है, ये लच्छा पराठा है, ये सिंपल नान है, मतलब रोटी है और ये नान है। तो खाते शुरू और टेस्ट करते हैं यहाँ का, मतलब एक्सपीरियंस मुझे अभी तक का बहुत अच्छा लगा है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो अप टू द मार्क नहीं हो, बहुत ही अच्छा है। मैं रिव्यू दूंगा कि भाई आ जाओ एक बारी, चाहे कोई से भी आप पंजाबी नॉन पंजाबी भी हो तो भी आप आओ एक बारी, अच्छा लगेगा आपको आने से। खाते सीधा और मिलते हैं, देखते कैसा लगता है, रिव्यू दे दो। तो भाई लंच कर रहे हैं, लंच में मीठा ना हो, मीठे में गुलाब जामुन ना हो तो लंच नहीं होता, तो उसके लिए हमने स्टार्ट कर लिया। बाकी सब खाना ख़त्म कर लिया, वो मत देखो, खाली ये देखो, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, पता नहीं खाने पे कैसा होगा बट आई एम श्योर कि बहुत अच्छा होगा। चलो खाते हैं और हो गया मतलब लगभग यहाँ पर लंच हमारा, निकलते हैं। तो भाई खाना वाना खा लिया है और मन ऐसे अंदर से संतुष्ट हो गया है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अपने को, पूरा खाया वगैरह घूमा फिरा, पूरी ये जो वाइब है ना
ये वाइब कहीं और नहीं मिलती है। अच्छा लगा बिल्कुल, मक्के की रोटी, बाजरे का जो भी था, मतलब वो बाजरे का खिचड़ी थी, शायद बाजरे की खिचड़ी, और ये फूड और एवरीथिंग वाज ऑसम। कुछ चीज़ें हैं जो पेड़ हैं जो आप ले सकते हो पे करके भी, जैसे 10, 20, 30 इतने में ही होगी, और छोले वगैरह, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क, क्लासिक, मज़ा आ गया खा के। और अभी चलते हैं वापस इधर से घूमते हुए, थोड़े झूले वगैरह हैं यहाँ पे, ये चीज़ करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अगर सब कुछ फाइनल हो ही गया, मतलब सब कुछ अगर देख लिया तो फिर मैं घर की तरफ निकलूँगा। मतलब आप लगा सकते हो 4-5 घंटे आराम से आप घूमते घूमते, अगर धीरे धीरे भी चलते हो, मैं तो देख देख के निकल रहा था फटाफट, तो अगर धीरे धीरे भी चलते हो तो दैट विल नॉट मोर देन 3, मतलब 10:30 बजे अगर जाते हो तो 4 आवर्स आर मैक्सिमम, बहुत है, मतलब 4 आवर्स आप आराम से घूम सकते हो। बट आपको यू हैव द लिमिट, लाइक आपको रात के 10 बजे तक आप रुक सकते हो, कोई भी आपको बोलेगा नहीं कि आप जाओ वापस, बट ये कि यू हैव ओनली लंच और डिनर, एक ही चीज़ ले सकते हो आप उसमें से, ज़्यादा उसमें आप नहीं कर सकते। तो अभी जो ये खाया है अच्छा था, लंच कर लिया हमने, तो वी डोंट हैव एनी डिनर देयर, तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से। अच्छा लगा सब कुछ और मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे। ये है भाई लोहार जो कि ब्लैक स्मिथ होता है, उसका घर है ये वाला, यहाँ शायद अभी सिगड़ी बन रही है, तो ये सिगड़ी का ये सब कुछ जो फैला हुआ है। तो वही बाहर आ गए हैं और एंजॉय बहुत किया हमने साडे पिंड को, रिकमेंडेड है, मतलब आप आओ यार, मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा है रिकमेंड कि भाई जाओ, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।